जिस मुकाबले का सबको इंतजार था फाइनली वो आ चुका है। शायद पहले आईपीएल से पहले इतना एंटिसिपेशन नहीं होगा यार, इस मैच को लेकर इतनी एक्साइटमेंट होगी। सीएसके केकेआर, सीएसके की तो फिर भी बात चल रही थी, केकेआर पर उतना ज्यादा जोर नहीं था, लेकिन केकेआर ने इतना जोर लगा दिया है कि नेट रन रेट उनका ऐसा उड़ रहा है कि बस एक मैच खेला हो किसी टीम ने, वो मैच बड़ी जीत हो गई हो तो नेट रन रेट आपको ऐसा नजर आता है। बट वो जिस तरीके से खेल रहे एक के बाद एक मैच, कभी 106 रन से उन्होंने हराया था दिल्ली को, 106 रन से उन्होंने हराया था दिल्ली को भाई, कंटीन्यूअस विंस, मतलब उस दिन तो ऐसा लग रहा था कि दिल्ली को अगर वो दो बारी बैटिंग दे देते कि भाई आप दो बारी बैटिंग करोगे तब भी उनसे कुछ नहीं होता। दूसरी तरफ चेन्नई एक्सप्रेस जो है वो थोड़ा पटरी से उतर गई है, इधर उधर हो गई है, रास्ता भटक गई मैच जीतने के बाद। हाँ, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि जैसे मुझे ट्रेन का उतना ज्यादा अंदाजा नहीं है राहुल भाई, बट एक तो बैठे रहते ना कोच, मतलब सबसे आगे जो रहता है वहां पर इंस्ट्रक्शंस और गाइडेंस के लिए, टीटी तो यार आगे इंजन होता है जो मैनेज करते हैं, जो भी हैंडल करते हैं। तो शिवम दुबे भाई जैसे इधर उधर जाते हैं तो ट्रेन उनकी कहीं और पहुंच जाती है। वो T20 में जो है पिछले मैच में वनडे खेलने लग गए भाई साहब सबके सब, और माही भाई ने जब उससे पहले वाइजैग में वो 20 साल पहले वाले माही भाई दिखाए थे, लंबी जुल्फे लंबी हिटे, वो आए नहीं। जड्डू भाई को सबसे ऊपर भेजा, फिर डैरेन मिचेल खोए हुए, डैरेन मिचेल को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहां आ गया हूं, क्यों आ गया हूं। शिवम दुबे और उससे ज्यादा बड़ी चीज, दो लोग, ये दो के रन अगर इन सबसे ज्यादा सवाल और ज्यादा बड़ा प्रश्न चिन्ह यही है कि कप्तानी मिलते ही ऋतुराज गायकवाड को क्या हो गया है, क्योंकि उनको राहुल भाई हम देखते हैं कंसिस्टेंट फिगर की रन, शायद थोड़ा पेस कभी कम हो जाए कुछ हो जाए बट रन वो देंगे। लेफ्ट आर्म सीमर्स उनके पीछे पड़ गए, और आज मतलब दुनिया में जिस लेफ्ट आर्म सीमर ने बड़ी दहशत मचाई है, मिचेल स्टार्क भी होंगे वहां पर, उनको चाहिए होगी ऊपर से शुरुआत जिसके लिए वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, सीएसके की मैं बात कर रहा हूँ, रचिन रविंद्र पे, ठीक है, शॉट मार रहे, और वो देखो एक्चुअली वो और यशस्वी जायसवाल अगर आप दोनों के डिसमिसल्स देखेंगे वो ऑलमोस्ट सेम तरीके के, वी पे आउट हो रहे हैं, वी में आउट हो रहे हैं और शॉर्ट बॉल और शॉर्ट बॉल पे आउट हो रहे हैं, कट बॉल वाली बॉलों को सीधा मारने के चक्कर में, तो वो सीधे मिड ऑफ या मिड ऑन पे आउट हो जा रहे हैं, ठीक है, वो उन पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। प्लस पिछली बार तो यार ऐसा लगा कि वो ढूंढ रहे थे, बॉलें ढूंढ रहे थे रचिन रविंद्र, रचिन उससे पिछले में थोड़ा जल्दी आउट हो गए थे, एक दो चौके अच्छे, हां उससे लास्ट टू लास्ट, ठीक है, उसके बाद वो बीच पे शिवम दुबे। अब देखो शिवम दुबे बाय द वे आज हो सकते हैं इनके हुक्म का इक्का, क्योंकि शिवम दुबे का क्या है कि वो भी स्पिनर्स ढूंढते हैं और केकेआर में आपको पता है भर भर के स्पिनर्स पड़े हुए हैं, आपके पास वरुण चक्रवर्ती हैं, आपके पास सुनील नरेन हैं, सुयश को ये इस्तेमाल अभी फिलहाल कर नहीं रहे हैं तो वो भी देखना पड़ेगा। अच्छा केकेआर को अब ये भी देखना है कि अपेरेंटली जो अगर आप केकेआर की नीतीश राणा का क्या है, नीतीश राणा अगर आज फिट है तो क्या उन्होंने पोस्ट भी डाला है कि नहीं वो ठीक है, बट क्या आप अंगरीश रघुवंशी को बाहर करोगे, सवाल ये होता है, बैटिंग मे बी उनको एज एन इंपैक्ट का यूज करें, इंपैक्ट की तरह यूज करा जाए उनको, पता नहीं मतलब डिपेंड करता है ना आप ये कैसे इंपैक्ट की तरह आप यूज तो कर लो उनको, बट फिर पता नहीं है, मतलब आई विल बी अ लिटिल सरप्राइज कि आप एक इनफॉर्म बैटर को अगर आप बाहर बिठाते हो, वो सब चीजें हैं, बट ये है कि अच्छा मुकाबला होगा। चेन्नई में हमने देखा है ट्रेडिशनली क्या होता है, वो थोड़ा स्पिनर्स को फेवर करता है, हालांकि ये पिछले दो साल से जो हमने चेन्नई का ट्रैक देखा है, चेपॉक का ट्रैक देखा है, ये वैसा ट्रैक नहीं है जैसे अमूमन हम देखते आ रहे थे इतने सालों से। विकेट पेसर्स ने लिए, मतलब मैं पढ़ रही थी 18 विकेट पेसर्स ने लिए, तो स्पिनर्स को कम असिस्टेंस मिली है पिछले कुछ वक्त में। केकेआर को देखते हो तो चेन्नई फंस और ही गई ना, कि अगर आप उनको अच्छी बैटिंग विकेट देखो तो नरेन ही पता चले ऊपर से काम कर जाए, और बॉलिंग के लिए अपना सोचो कि जी हमारी जो स्ट्रेंथ है तो उनकी तो स्ट्रेंथ में प्लस प्लस लग जाता है द मोमेंट आप केकेआर को जो चेपॉक ट्रेडिशनली जो हम बात कर रहे थे जो एमएस धोनी और उन्होंने जो बनाया था एक वक्त पर वो तो उस तरीके से रहेंगी चीजें। अब टॉस भी होने वाला है तो क्रिक रॉकेट पर आपको जो है सबसे पहले टॉस अपडेट टीम न्यूज हम आपको बताएंगे, तो डाउनलोड जरूर कर लें क्रिक रॉकेट, अमेरिकन पिस्ताशोज भी देखते हैं किसको आज कितनी जरूरत है, फिर हम भी डिसाइड करते हैं, मतलब काफी लोग तो कर चुके हैं शायद कि कौन किस कैंप में आज, उस पर भी बात करेंगे, और फिर देखते हैं कि भाई कॉम्पोजिशन में क्या कुछ बदलाव है, क्योंकि मुस्तफिजुर जो है आज फील्ड पर दिख रहे तो चेन्नई के लिए एक प्लस ये है, बॉलिंग उनकी थोड़ी सी साधारण सी लग रही थी पिछले मैच में, जिस तरीके से अभिषेक ने उनको मारा था यार, किसी को हवा ही नहीं लगने दी, इम्पैक्ट मेरे को लाए थे मुकेश चौधरी। आई थिंक अब एक तो ये भी हो गया ना, देखो सुनील नरेन का क्योंकि इतना बड़ा हुआ, दो मैचेस उन्होंने ऐसे खेल दिए, क्या ऐसा हो सकता है वो थर्ड टाइम लकी हूँ, और दूसरा ये भी नहीं कि क्योंकि अगर उनको आज आप सोचो आउट करने वाली चीज उसमें मूवमेंट से ज्यादा आपको पेस चाहिए, तो क्या चेन्नई के पास वो बॉलिंग में है कौन है, नहीं पेस से नहीं चाहिए, पिछले मैच में अगर उनको आपको याद होगा मिच मार्श ने आउट किया था,
तो कब बट अब देखो उसमें दो चीजें आपने बोला पेश है, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप उनको स्टार्टिंग में अगर उस टाइम जो मैच चल रहा था उसमें रिव्यू भी ले लेते दिल्ली ने जो गलती की थी और बाद में जाके वही कहीं ना कहीं मैच मार देते। देखो पहली बार टॉस जीते जो खेल रही है मैं भी देख रहा था मतलब इनको आप इनकी बात कर रहे हो मतलब सीएसके ठीक है हमेशा इनकी बात होती है लेकिन केकेआर के तीन बैट्समैन है जिनके 100 से ज्यादा रन है स्ट्राइक रेट 200 से ज्यादा है रसल विद द बैट विद द आप डरा रहे हो मतलब यार जिस तरीके से टीम चल रही है अभी हर किसी के रन सुनील नरेन रहे जो कि एक बेट था कि मतलब उनसे ओपन करा के देखते हैं कैसा होगा और फिर वहां पर जब उन्होंने ओपन करा जिस अंदाज में ओपन करा तो वो एक ट्रायल था जो चल गया। स्टार्ट ऑफ द सीजन मुझसे पूछा गया होता मुझे नहीं पता आप लोगों की क्या राय है इसमें क्योंकि मुझे नहीं वो बहुत बड़ा गैम्बल था। अब देखो बात यह है कि उन्होंने दो मैचेस तो आपको जिता दिए अगर हम आईपीएल को मानते हैं कि भाई किसी भी टीम को 10 से 11 मैचेस जीतने होते हैं एक ट्रॉफी जीतने के लिए अगर 11 मैचेस आपको जीतने हैं उन्होंने दो मैचेस जिता दिए हैं अपनी बैटिंग के बलबूते पे सिर्फ। अब कंटिन्यू आप करोगे या फिर देखो ये भी है गौतम गंभीर है वहां पर गौतम गंभीर वर्सेस एमएस धोनी गौतम ने ये बात कही थी उनकी एक पुरानी वीडियो बाहर आई थी उन्होंने कहा था कि एक टीम ऐसी है जिसको मैं हमेशा हराना चाहता हूं जब भी मैं ऑपोजिशन कैंप में बैठा हूं वो आरसीबी है। बट मैं आपको बताऊं एमएस धोनी के अगेंस्ट भी वो ना बहुत चार्ज्ड अप रहते हो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बट सर जब टूर्नामेंट शुरू हुआ तब सीएसके के जो मैचेस जा रहे थे उसमें टीम बहुत अच्छी लग रही थी उसके बाद अब दो लगातार हार और शायद आज हैट्रिक भी हो सकती है तो कहीं ना कहीं इसमें इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है। हाँ खुशी बात आपकी देखो गलत नहीं है आपकी बात और धीरज ने जो बात कही वो दोनों एक ही है। आपने जिन दो मैचेस की बात करी उनमें रन किसने बनाए थे जिनका जिक्र धीरज ने किया अभी किनका रचिन रविंद्र और शिवम दुबे। आई थिंक बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाती हैं ये लोग रचिन रविंद्र कैसी स्टार्ट देते हैं और उसके बाद नीचे शिवम दुबे कैसे खेलते हैं। अब देखो इट इज़ हाई टाइम कि ऋतुराज गायकवाड़ को भी ये बताना पड़ेगा उन्होंने एक ऐसा सीजन उनका गया था आई थिंक लास्ट टू लास्ट ही सीजन गया था आई थिंक जब वो चैंपियन भी बने 21 वाले में जब 21 नॉट लास्ट टू लास्ट बट लास्ट टू लास्ट टू लास्ट और वो मतलब बट बाकी उनके बाकी सीजंस भी अच्छे गए लेकिन ये सीजन मतलब वो सीजन तो एक्सेप्शनल था खैर उनमें वो आई थिंक लीडिंग रन स्कोरर था। ये चीज रहती है कि वो हमेशा स्टार्ट इसी तरह की करते हैं कि पहले दो तीन मैचेस में रन नहीं आते हैं उसके बाद ये ना एक बार रन आना शुरू हो जाते हैं तो फिर वो रुकते हैं। अभी एक चीज है कप्तानी का देखो कप्तानी का जैसे बोले ठीक है बट ऊपर से अगर आप दोनों पेयर उठाओ तो रचिन रविंद्र ने एक मैच पे चलो उनका 12/2 था वो खराब लगा देख के लेकिन बाकी दो मैच में रन बनाए तेजी से बनाए तो आप उनको वहां पे छोड़ दोगे। ऋतुराज का बहुत खाली जा रहा अभी बहुत खाली जा रहा है लॉर्ड शार्दुल आ जाएंगे उसके बाद अजिंक्य रहाणे का आप देखोगे अजिंक्य रहाणे उनके भी रन है पर जो स्ट्राइक रेट जिस पेस से अजिंक्य रहाणे का अभी डोमेस्टिक में स्ट्रगल चल रहा था फाइनल में उनके थोड़ा रन से रन जी के लेकिन पिछले सीजन के अजिंक्य रहाणे इस सीजन के अजिंक्य रहाणे में जमीन आसमान का फर्क भी आपको दिख रहा है। वो पिछली बार की तरह ही रहने वाला है की आप जडेजा ऊपर आ रहे हैं डैरन मिचेल से नीचे आ रहे हैं धोनी जिनसे सब कह रहे हैं मतलब चेन्नई को कहा जाता है वो कंडीशंस और वो सब बहुत बढ़िया से रीड करती है इतनी एक्सपीरियंस टीम है बड़े मतलब बड़े इन टर्म्स ऑफ की एक्सपीरियंस इंटरनेशनल क्रिकेट में बड़े बड़े खिलाड़ी जो लंबा टाइम तो वो उस चीज में पिछली बार वो थोड़ा सा ओवर थिंकिंग में भी मारे गए उनको लगा कि मिचेल को नहीं भेजते शायद बॉल स्लो विकेट है थोड़ा ये तो जडेजा को भेज देते वो उनकी पहली गलती हुई फिर उसके बाद अल्टीमेटली उन्होंने जहां पर वो विकेट जैसे महेंद्र सिंह धोनी का खेल हम सब ने देखा और उनको सूट करती है कभी कभी ऐसी विकेट क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग बॉटम हैंड डोमिनेटेड और ऐसी विकेटों पर आपको पावर वाला प्लेयर ही निकाल सकता है तो पावर ना मिचेल के पास थी ना मनोज एक चीज है ये आप पीछे वाले मैचेस की बात कर रहे हैं अगेंस्ट सुनील नरेन और वरुण चक्रवर्ती जब वो ऑपरेट कर रहे होंगे आपको लगता है एमएस धोनी आएंगे उस तब तो मुश्किल है ना वो तो उनके अगेंस्ट तो वो आज शायद हो सकता है दीपक चहर को भी भेज दें। जब उस दिन हम बात कर रहे थे कि मैं भी बैठा था कैमरन ग्रीन बैटिंग करने यार डिक अगर हमारे दिनेश कार्तिक अच्छे फॉर्म में है तो वो ऊपर अरे मैं कह रहा हूं भाई अगर एमएस धोनी के बल्ले पे बॉल क्या कवर के ऊपर छह दिनेश कार्तिक वगैरह तो उस कंपैरिजन में आएंगे ही नहीं। अगर आपका धोनी ने जो पिछला मैच खेला था अगर उस मैनेजमेंट में और महेंद्र सिंह धोनी खुद ऋतुराज गायकवाड़ ने देखी हुई वो चीज अभी मैं कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो देखा आई थिंक ऑस्ट्रेलिया का किसी पॉडकास्ट में तो डैन क्रिश्चियन से वहाँ सवाल होते हैं तो क्रिश्चियन बोलते हैं कि मैं तो वो बोलते हैं अच्छा आप तो राइजिंग पुणे में खेले हो तो कह रहे वो क्या होता था कैप्टन तो बाद में स्मिथ बन गए थे वो आप उनके जिक्र कर रहे थे वो नहीं आए किन के क्या नाम है नितिश राणा नहीं आए तो वो बोलते हैं कि जब राइजिंग पुणे में कैप्टन स्मिथ भी हो गए थे तो कह रहे थे माही का ये होता था कि वो अपना जब मन किया गियर्स पहने और चले आते थे
उन्होंने बोला है ऑन रिकॉर्ड ही बात, तो कहते हैं कि ऐसा होता है कि हाँ भाई सपोज ये उन्होंने नाम बोले जो जो प्लेयर्स खेले थे कि मान लीजिए कि ये प्लान है ये जाएंगे वो जाएंगे, बट धोनी को जैसे ही जब लगा वो गियर्स अपने पहनते थे और चल जाते। क्या हम 11 दिखा रहे हैं? स्मिथ कुछ कहते थे न कोई और कुछ कहते, क्योंकि सबको पता है कि धोनी समझते हैं वो। और अब क्यों इतना अलग है, अब क्यों नहीं आ रहे महेंद्र सिंह धोनी, तो ये सवाल तो सबके मन में। देखो एक चीज आप ये भी होती है, जब आप क्रिकेट नहीं खेल रहे होते ना आपका खुद का कॉन्फिडेंस भी होता है। शायद राहुल भाई अगर पिछली इनिंग्स ना रखी होती तो हमें लगता कि यार चलो ठीक है नहीं आए और माही शायद वैसे ही आएंगे लास्ट के 8 बॉलों में अटेम्प्ट करेंगे 2 छक्के 3 छक्के, बट वो सबने वो इनिंग्स देखी थी। मैं वही तो कह रहा हूँ, मुझे आज की डेट में मैं कहता हूँ MS धोनी आए पहली बॉल पे डक पे आउट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आए एक्सप्रेस करे बल्ला चलाए, लगेगा क्योंकि आपको ये पता है कि MS धोनी का अगर कनेक्ट हुआ तो वो जाएगा ही जाएगा। आप देखो ना वो जो उन्होंने उस पारी में खेला यार, जो 33 बनाए थे ऐसे कुछ था, तो जो उन्होंने बनाए थे आई थिंक उससे जडेजा को स्ट्राइक, हाँ उससे क्या हुआ, उससे ये पता तो लगता है कि यार MS धोनी ऐसा नहीं है कि वो बना सकते हैं, मार सकते हैं, बाउंड्री क्लियर कर सकते हैं, इसीलिए बोल रहा हूँ। और MS धोनी तो यार आप एक वक्त था कि स्पिनर्स के अगेंस्ट MS धोनी मतलब काल बन के उतरते थे स्पिनर्स के अगेंस्ट के। आप देखो ये वही MS धोनी है जो इस वजह से नंबर 3 बैटिंग करने आ गए, 4 पे बैटिंग करने आ गए वर्ल्ड कप फाइनल में, क्योंकि वो मुतैया मुरलीधरन द ग्रेट मुतैया मुरलीधरन, उनको लगा कि ऑफ स्पिनर के अगेंस्ट मैं बेहतर खेल सकता हूँ अंदर आती हुई डिलीवरीज, इसलिए आज ऐसा नहीं हो सकता। आई थिंक इट इज ऑल अबाउट आपका मेंटल एडजस्टमेंट। अगर कॉन्फिडेंस की बात है तो हो सकता है, कभी कभार होता है जब आप बहुत वक्त से ना क्रिकेट से थोड़े दूर रहे हो, आप खेल नहीं रहे होते हो, आपको लगता है कि यार कॉन्फिडेंस थोड़ा कम है, बट आपकी वो पारी आ चुकी है जो आपको कॉन्फिडेंस दे सकती है या दे रही होगी। मैं इसीलिए कह रहा हूं, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि लोगों को देखना है MS धोनी, लोगों को खिला दिखाना है, क्राउड आ रहा है टीवी के लिए, इसके लिए उसके लिए। MS धोनी आए पहली बॉल पे आउट हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, बट MS धोनी यार चाहे देखो चेन्नई के लाइनअप में जितने भी बैटर्स नीचे एक इंटीमेट 16वें ओवर के बाद उनसे ज्यादा खतरा किसी से नहीं, चाहे वो आज कौन है उस लाइनअप में नीचे जो आएंगे। बात बताता आपको कौन है, एक सीजन था जडेजा को गिन लो, मैं कह रहा हूं डैरिल मिचेल को गिन लो, समीर रिजवी अभी आए उनको गिन लो, किसको शार्दुल ठाकुर को भी ले लो, दीपक चहर। अभी भी आप बोलोगे कि भाई अगर एज अ बॉलर जो जिसको नहीं फेस करना चाहेगा कोई, वो अब भी महेंद्र सिंह धोनी होंगे। और एग्जैक्टली यार एक इंटिमिडेशन फैक्टर होता है जो आपको याद होगा, जो इन्होंने किसने अरे राजस्थान के जो हमारे बॉलर हैं जो संदीप ने इस बात का जिक्र हाँ। भी किया था, और ये उन्होंने साफ साफ बोल दिया था कि यार अक्सर ऐसा होता है कि अगर MS धोनी मतलब 42 छोड़ो 52 साल की उम्र में भी खेल रहे होंगे तो आपको लगता है ये MS धोनी है, ये कहां से मतलब ये मतलब यॉर्कर पे छक्का मार सकते हैं ये, तो वो सब चीजें होती है। और इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर इट इज, अब मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ क्या रन आते हैं क्या नहीं आते हैं, जो मनोज कह रहे हैं ना, मुझे आज की डेट में MS धोनी हो सकता है एक कभी कभार ना एक अननोन फैक्टर भी होता है। जब आप बॉल डाल रहे हो आपको पता है कि यार रविंद्र जडेजा हो सकता है सिंगल के लिए खेल ले, डैरिल मिचेल जो है उनका सामने का फील्ड है, सामने ही मारोगे आप, उनको छोटा डाल दो या कुछ कर दो, स्लोअर शॉट डाल दो या कुछ डाल दो, ठीक है। MS धोनी के साथ आपको पता नहीं है, स्पेशली वो तो उस दिन कवर्स पे जो छक्का मारा उन्होंने, कवर्स पे जो छक्का मारा बड़े लंबे टाइम में, वही बात है कि आखिर जब इतनी अच्छी फॉर्म है या इतना कुछ कर सकते हैं तो अपने आप को रोक के रखने के पीछे लॉजिक क्या हो सकता है। एग्जैक्टली आपने देखो शिवम दुबे पहले प्लेइंग 11 प्रॉब्लम बता देते हैं फिर उसके बाद डिस्कशन आगे ले आते हैं और KKR पर भी डिस्कस करते हैं। श्रेयस अय्यर ने भी बोला कि वो गेंदबाजी करते चेन्नई, ऋतुराज ने पहला टॉस जीता है बतौर कप्तान और उन्होंने चेंजेस करे आज, क्योंकि 3-3 चेंजेस, समीर रिजवी भी आ गए वहां पर, शार्दुल ठाकुर आ गए पहला मैच खेल रहे होंगे इस सीजन अपना, मुस्तफिजुर भी वापस आ गए, दीपक चहर भी नहीं है इतनी मतलब इसमें एक बड़ी खबर है कि दीपक चहर भी नहीं है, मोइन अली चलिए ठीक है आपको नजर आता और समझ में आता, शिवम दुबे आपको पता है गेंदबाजी करें तो शिवम दुबे एज एन इम्पैक्ट प्लेयर वापस आ जाएंगे, बट दीपक चहर पर ये क्या किस तरीके से फैसला देखते हैं आप राहुल भाई, जो दीपक चहर पर लिया गया है मतलब दोनों तरीके से कुछ ना कुछ खराब है, अगर फिटनेस का भी इशू है तो वो भी उनके लिहाज से इंडिया के लिहाज से सही चीज नहीं, अगर हम जो देख रहे थे कि अगर उनका चांस बनता, और अगर फॉर्म के ऊपर भी है तो अगेन एक वरिंग साइन है फिर ये दीपक चहर बोला जा रहा है, वही मैं कह रहा हूँ कि दोनों चीज में अगर उनको इंजरी भी है ना यार तो आजकल इंजरी उनके अगेंस्ट ज्यादा जाएगी परफॉर्मेंस से, क्योंकि लोग फिर सवाल ये बोलेंगे कि भाई आप खेलते क्या हो, कितना खेलते हो और दो मैच के बाद आपका निकल हो जाता है, और इस बार तो उस तरह से परफॉर्मेंस भी नहीं है, और नहीं, आप वही आप इतना यार देखो ठीक है वो आए थे वापस फिर उनके परिवार में दिक्कत हुई वो गए भी तो लंबा वक्त रहा है बीच में, तो
अगर वो चीज लोग जोड़कर देखेंगे ना कि आपने बीते 3 साल 4 साल में कितनी इंजरीज देखी है, कितना टाइम आप ऑफ द पार्क रहे हो, तो ये फिर कंसर्न है राहुल भाई एक तरीके से चेन्नई के लिए भी। दीपक चहर उनके बड़े मैच विनर्स में से एक आते हैं। सही बात है, और आई थिंक एक पर्पस उनका ये सॉल्व हो जाता है क्योंकि मुस्तफिजुर से वो नया बॉल डलवाएंगे। आई थिंक दीपक चहर का ये था कि दीपक चहर उनका नया बॉल करते थे, अब आपके पास ये है कि मोस्ट लाइकली आपका मुस्तफिजुर के साथ आप महेश थीक्षणा या फिर तुषार देशपांडे के साथ आपको, आई डोंट नो शार्दुल, हालांकि शार्दुल का भी बॉल अच्छा मूव होता है, बट क्या शार्दुल को आप बीच के ओवर्स के लिए रख रहे हो, क्योंकि सीएसके पहले कर रहा है गेंदबाजी, विच मींस कि थीक्षणा आ जाएंगे वापस इनके लिए बैटिंग के टाइम पर, शिवम दुबे तो आ जाएंगे बाद में, बट बॉलर्स उनके पास यही है बेसिकली। उनको छठा ओवर रचिन रविंद्रा और डैरिल मिचेल इन दोनों से निकलवाना पड़ेगा, बट एक है सरली अगर 11 को देखें तो पिछले मैच में थोड़ी सी कमजोर दिख रही है आपको गेंदबाजी, कंपैरिजन अगर करें केकेआर के जो जय, अगर इन्होंने ऊपर से विकेट नहीं ली ना तो इट इज गोइंग टू बी अ डूम स्टे फॉर चेन्नई सुपर किंग्स, अगर ऊपर से विकेट नहीं मिली इनको, क्योंकि और उसके लिए अगर, क्योंकि आप देखो इनके पास बीच के लिए कौन है, महेश थीक्षणा के मैं मानता हूँ 4 ओवर्स हैं आपके पास, अगर आप उनसे ओपन करवाते हो उनको आप कैसे यूज करोगे, उसके बाद तो फिर वन वे ट्रैफिक होगा, अगर क्योंकि आप देखो महेश थीक्षणा तुषार देशपांडे मुस्तफिजुर शार्दुल, ये आपके पास 4 बॉलर्स हो गए, उसके बाद जडेजा, हालांकि बॉल बहुत अच्छा डाल रहे हैं जडेजा, मतलब उनकी बैटिंग के बारे में बहुत जिक्र करते हैं कि उनकी बैटिंग कैसी हो रही है कैसी नहीं हो रही है, पर वो बॉल उन्होंने बहुत अच्छा डाला है इस सीजन अब तक, तो वो आपके 5वें बॉलर हो गए, किसी का भी एक खराब कुछ होता है तो उनको मतलब ये देखना होगा कि रचिन रविंद्रा और डैरिल मिचेल को इस्तेमाल करना पड़ेगा। प्लस ये भी है कि आपकी गेंदबाजी ऐसा नहीं है, शार्दुल इतने वक्त बाद आ रहे हैं, शार्दुल को आपने आखिरी बार खेलते हुए कब देखा था, वही है और रणजी का फाइनली उन्होंने खेला, उसके बाद ये आईपीएल के टाइम तो जो देखा होगा उनको कैंप में देखा होगा, उसके अलावा बहुत कुछ दिखे नहीं है। और रहा सवाल दूसरी तरफ केकेआर का भी 11 बता दीजिए, उन्होंने विनिंग कॉम्बिनेशन अपना रिटेन किया, श्रेयस ने ये कहा कि हम सेम टीम के साथ जा रहे हैं, एक गेंदबाज आएगा, फिलिप फिल सॉल्ट, सुनील नरेन, वेंकटेश अय्यर, श्रेयस अय्यर, अंकुश रघुवंशी जो शायद आपको ऊपर ही बल्लेबाजी करते हुए दिखे, आंद्रे रसल, रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, मिचेल स्टार्क, वैभव अरोड़ा और वरुण चक्रवर्ती, जो इम्पैक्ट की ऑप्शंस है वो आपको बता देते हैं। चेन्नई की तरफ से शिवम दुबे जो मोस्ट लाइकली लग रहा है आएंगे अंदर बैटिंग के टाइम पर, मोइन अली, शेख रशीद, मिचेल सैंटनर को भी वहां पर डाला गया उन्होंने, और निशांत सिंधु, तो ये उनके ओवरसीज सॉरी इम्पैक्ट प्लेयर्स के ऑप्शंस हैं। कोलकाता की अभी जैसी लिस्ट आती है कोलकाता की भी आपको बता देते हैं क्या कुछ रहेगा इम्पैक्ट प्लेयर की ऑप्शंस उनकी तरफ से क्या होता है, बट आज इनकी बॉलिंग देखकर तो और डर का माहौल लग रहा है चेन्नई की तरफ से, क्योंकि बॉलिंग में भी अब तो चेन्नई की बॉलिंग में भी ऑप्शंस भी इतने ही हैं, मतलब थोड़ा तो मजबूत हो गई है चेन्नई की पहले से, आज तो बॉलिंग ऑप्शंस भी नहीं है ना, नहीं बट एक ही तो नाम आया, दीपक चहर हट गए हैं उसमें से, दीपक चहर तो खेल भी रहे थे तब कौन सा उनका इतना, नहीं बट देखो एक चीज दीपक चहर का ये है कि उनकी विकेटें हैं चाहे जो मर्जी कह लो आप, पिछले मैच में कितनी थी, पिछले मैच में नहीं थी कि दो थी पिछले से लास्ट मैच में उनकी दो, आई थिंक मतलब 10 का इकोनॉमी था उनका, बात वही है कि देखो विकेट टेकिंग ऑप्शंस कौन है आपके पास, विकेट टेकिंग ऑप्शंस कौन है, होता है कि 20 रन वाला भी ओवर हो सकता है, अगर विकेट ले लेते हैं तो ले लेते हैं, नहीं तो बाकी और किसी के गेंदबाज, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि ये गारंटी देते हैं, जो दीपक चहर के रहते हुए आप कहते हैं ऊपर से विकेट नहीं आई ना, ओवरों में दीपक चहर के खासियत रहती है जो नहीं गेंद से देखो इनमें निकाल के आपको दे देते हैं, इनमें अगर हम जो तेजी की बात करें तो इनमें कंपैरेटिवली आपको तुषार देशपांडे के पास वो पेस मिलती है, और चाहे जो मैं कर जो उनकी तरफ से उनकी पेस सुनील नारायण को परेशान, वही मैं कह रहा हूं कि जो थ्रेट आपके क्या है कि नरेन, मैं कह रहा हूं इवन आप कह लो आंद्रे रसल, श्रेयस अय्यर को आप बोलोगे कि छोटी बॉल से टारगेट करना है, उनके अगेंस्ट आपको ना यॉर्कर्स नेल करने वाला कोई दिख रहा है ना, आपको लग रहा है कि कोई पेस से थोड़ा तंग, बल्कि मुझे लगता है तीक्षणा ज्यादा परेशान कर रहा है, तीक्षणा की एक ऑप्शन है बट उनको किस किस के लिए बचा के रखोगे आप, ये भी चीज है ना आपके पास आज ऑप्शंस में, अभी एक ही ए गेम चल जाए जो आपको चाहिए होता है कभी कभी, कि हमारे लिहाज से एक एक चीज हो जाए तो कुछ है यहाँ पर, क्योंकि आपके पास ऑप्शन मतलब ये भी नहीं है कि आप ट्राई करने के लिए किसके पास जाओगे, रचिन रविंद्रा डैरिल मिचेल बोलने के लिए चीज अच्छी है बट शायद जो अगर पिटाई चल रही है और बाकी सबकी लग रही है पिटाई वो भी उस टाइम बहुत कुछ ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, आपको नहीं होगा कि एक आधा कोई बीच में आके टाइट ओवर डाल दे मैच में एडवांटेज सीधा सीधा केकेआर को दिख रहा है, मतलब ऑन पेपर एटलीस्ट
पर सर दो टीम्स हैं और दोनों टीम्स के कैप्टन्स की नॉक आप एक तरह से कहेंगे या कोई भी नॉक हो या ओवरऑल अब तक परफॉर्मेंस देखे दोनों कैप्टन्स की नहीं है पर टीम्स के देखिए श्रेयस ने पिछले मैच लास्ट मैच था वो ऐसे तो 46 फिर भाई देखो मैं तो कहूंगा एक श्रेयस अय्यर एक लौते ऐसे बल्लेबाज है इस पूरे आईपीएल में जो बोल के मतलब जिन्होंने ऐलान कर दिया तुम्हें जो बोलना है मेरे बारे में बोल लो मैं तो खेलू मैं मेरा रोल है एंकर का मेरा एंकर का रोल है मैं तो ऐसे ही खेलूंगा वो आपको याद होगा वही जिस मैच की बात कर रही है खुशी भी उसमें क्या हुआ था एंड में उन्होंने थोड़ा एक्सेलरेट कर दिया था वो मैच तब तक सील कर चुके थे पर ठीक है सर वो सबसे भारी सवाल जो होता है कौन किसकी तरफ है वो वाला भी बता पहले आप ही बता दें मेरा तो मैं केकेआर की तरफ हूँ मेरे बताने के बाद डिसाइड करता है वो वाला खेमा डरते हैं नहीं वो वाला खेमा नहीं हो सकता ये खेमा भी आपके साथ हो अच्छा। देखो एक दो तीन तो हम गारंटी दे सकते हैं कि ये केकेआर वाले आप भी आप कब से गारंटी लेकर केकेआर वाले केकेआर है इनका यार तैयार है वो भी के बहुत जल्दी मतलब सब कुछ हिसाब मैंने चेन्नई कब बोला मैंने अभी तो आप कह रहे कि मैं चेन्नई के अगेंस्ट रहता हूँ हमेशा नहीं नहीं मैंने आज की बात आज नहीं बोला आपने मैंने चेन्नई बोला नहीं मैंने केकेआर बोला अभी आपने बोला बट आप बोले कि इन तीनों का तो हम गारंटी से तो धीरज भाई फिर भी केकेआर के समर्थकों में आते यार इनका बताए कि ये कब से ऐसा यार इनका ये नया रूप दिखा मैंने जो आपने फैंटेसी वाली देखो जय का केकेआर के साथ होना इज वेरी इंपॉर्टेंट आज मनोज की देखिए मनोज वैसे ही पस्त हो गए उनके मैं अकेला पड़ रहा हूँ यहाँ पर बट आपका बयान मुझे टीम बनाई होती आप मेरे साथ होते तो आपको पता चल जाता क्योंकि मैंने वहां जरूर बोल दिया आज जो आपको पता थोड़ा सा थकान ज्यादा था तो मैं सो रहा था जब आप टीम बना रहे थे तो मैंने टीम देखी नहीं आप धीरे आप भी जय भाई की तरह पूछने की जरूरत नहीं गारंटी राजस्थान के साथ नहीं है तो उसमें पूछने वाली बात नहीं है मतलब सीएसके को राहुल भाई का तो केकेआर का मतलब उनका है और इस सीजन नाम बोले थे और इस सीजन क्योंकि उन्होंने उनको आगे रखा भी है जैसे तो फिर धीरज भाई ने भी रखा बट आज सीएसके के साथ है आज सपोर्ट कर रहा है सीएसके आज सपोर्ट है सीएसके धीरज का सपोर्ट आजकल थोड़ा भारी पड़ रहा है कल लखनऊ पे था हैं कल आप दोनों एक ही मतलब ऑन एयर मतलब साथ थे बट ऑन अगले मैच के बाद वैसे जीटी कर रहे थे मैच का यही ऐसी बात है एक इनिंग होने के बाद ये कह रहे थे मैच वाले भी बोलोगे कि ऑन एयर बना दिया है अरे यार वो चीज तो अलग रहती है मैच का बोलेंगे ऑन एयर तो मैं आपके साथ था पर मेरा सपोर्ट केकेआर के साथ नहीं नहीं ऑन ऑफ एयर हर टाइम अगर टीम आप उठाओगे तो जो परफॉर्मेंस है वो केकेआर को देता है 70% की ये जीत अरे परफॉर्मेंस का हटा के मैं भाई आप किसके साथ है बताइए सीएसके हाँ तो ये बोलो ना फिर आप कल की तरह बोलोगे 70-30 मत करना फिर ऐसे तो पंजाब वाली गेम हुई थी जिसमें देखो अगर दुनिया अलग कह रही थी पर जीत गए पंजाब बट ये ना कि इन मैचों में आप एटलीस्ट ये बोलते हो कि आप सपोर्ट कर रहे हो बट तो रियलिस्टिक भी होगी ना अगर जैसे केकेआर बैटिंग कर रही है अब केकेआर 125 पे ऑल आउट हो गई तो आप ये थोड़ा बढ़ोगे नहीं केकेआर एक अपनी टीम को शायद एक अपना अलग कल भी स्कोर कम ही था वैसे नहीं कल यार वो स्लगिश विकेट लोग बोल रहे थे 15-20 यार 100 वो ऐसा भी विकेट नहीं था कि 163 रन ना बने मैं एक बात बोलूं आपको यार एक बात बताओ विराट कोहली ग्रेट ऑफ द गेम उन्होंने उस दिन भी बोला ना कि ये विकेट बड़ा स्लो हो सकता है ये है वो है बाहर से अलग लिख रहा है फ्लैट लग रहा है पर नहीं है क्या था उस विकेट पावर प्ले में जब आपके 50-54 रन बन रहे अगर विकेट तो टीम को सोचना चाहिए जो हारी है मैच मैं एक बात बताऊं 100% टीमें आप खिला लो कोई भी टीम ले आओ दुनिया की वो बोलेंगे मैं तो ले लूंगा 163 और उस टीम को फिर छोड़ देना चाहिए जिनको लग रहा है विकेट के अकॉर्डिंग नहीं हो पाता चलो मान लेते कि केएल का कई बार यार आप एक बात बताऊं आपको कोई और टीम होती ना आप देखो पंजाब नहीं बना पाई है ठीक है पंजाब ने 200 चेस करने थे ठीक है वो ये जो कल वाला कल जीटी ने भी दिखा दिया कि हम शुभमन गिल पे कितने पहले मैच में किया शुभमन गिल इस बार वो दम नहीं है शुभमन गिल पे हम कितने डिपेंडेंट हैं मैं मानता हूं कि यार देखो इस कोई भी टीम होती ना धीरे ले लेती जो लखनऊ ने दिया था जैसे पूरन जब बैटिंग कर रहे थे तो पूरन को तो आप ये बोलते हो ना कि एक अच्छी विकेट पे मतलब वो अच्छे रन मार सकते हैं 30 पे यार हम लोग हमेशा एक बात मुझे बताओ आप मुझे एक बात बताओ पूरन को बैट्समैन बैट्समैन आता है बैट्समैन हम बोलते हैं पूरन ये वो ठीक है बैट्समैन ये नहीं हो सकता कि बॉल अच्छा डला हो स्लगिश विकेट हो जाती है नहीं बॉल तो जैसे आई थिंक बॉल डाला जैसे आई थिंक केकेआर आरसीबी का मैच था क्या कल लखनऊ ने बॉल अच्छा नहीं डाला होगा जो मैच जीते हैं वो तो अच्छा 160 अगर वो डिफेंड कर रहे हैं तो फिर लगातार डिफेंड कर रहे हैं कमजोर टीम के अगेंस्ट भी अगर आपने 160 डिफेंड किया है ना कमजोर टीम भी हो उसके अगेंस्ट आपको बॉल अच्छा डालना पड़ेगा सर
आज की डेट में 160 वो है जो पहले 140 हुआ करता था कि शायद वो मैच बन जाए, शायद कुछ हो जाए। आज की डेट में और अगर पावर प्ले में टीम कोई स्टार्ट कर दे, ओपनिंग पार्टनरशिप आपकी लग जाए 50-55 रन की, देन उसके बाद भी आप 130 ऑल आउट हो गए हो, तो वो आपकी अपनी भी रिफ्लेक्शन है कि भाई आपने उसके बाद वो बल्लेबाजी क्या करी है, क्या उनके डिसीजंस रहे थे, किस तरीके से उन्होंने अप्रोच किया वहां पर। तो बहुत कल तो मतलब खैर उनकी तो बहुत ही ज्यादा खराब परफॉर्मेंस थी। अब जैसे मुंबई ने जो किया था, जो मुंबई ने किया जीटी के अगेंस्ट, बना बनाया मैच, रोहित शर्मा ने भी उस दिन 40 ऑड रन करे थे, जबकि उस दिन ये था कि ड्यू भी, उस दिन तो ड्यू भी थी, तो आप मतलब वही है कि जिसने वो मैच हारना हो कहीं से। अब उस दिन अगर राजस्थान की टीम वो मैच हार जाती, भाई संजू आउट हुए, वो बटलर की विकेट और गिरती, सपोज पैनिक होता तो वहां से वो भी हार जाते आरसीबी के अगेंस्ट, तो तब तो उस दिन लगता है 180-183 शायद वो 10 रन नीचे ही थे, बट मैच निकाल कर वो विकेट वो स्लो नहीं था, विकेट मैं वही कह रहा हूं ना, मैंने भी देखा था, बट वो विकेट देख के लग रहा था, तो विकेट को लेकर मैं वही कह रहा हूं, एट विल अगर खड़े हो आप छक्के मार सकते हो। नेत्रा जी, एमएस वोंट बैट अप, नथिंग न्यू, वी नो दिस फॉर इयर्स, वो कह रहे हैं कि एमएस नहीं आएंगे बैटिंग करने ऊपर। हाँ, ये तो आई थिंक पिछले 7-8 साल। सर आप किस टीम के साथ हैं आज, केकेआर या चेन्नई? आइए थोड़ा सा आप आइए, 10 मिनट हैं अभी। नहीं आप बैठिए ना यहीं से, मैं आज चेन्नई के साथ येलो चेयर में, और ये केकेआर का कलर चेन्नई। देखो मुझे कोलकाता का तो आज 3-3 है, कोलकाता टॉप 4 जाएगा, कोलकाता वन ऑफ द टॉप कंटेंडर्स होगा, पर मैं चेन्नई को देखना चाहता हूँ आज रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं हार के। आज दीपक चहर ने स्टार्ट वेल, दीपक चहर को निगल हो गया है, क्रिक रॉकेट पर अपडेट आई है। अच्छा जी, मैं वहां पे बताया, अच्छा बताया, क्रिक रॉकेट से पहले मैं अच्छा पे बताया भाई, देखा तो आपने भी क्रिक रॉकेट पे ही होगा ना, मैं अच्छा आपने संभावना लगाई मेरे साथ, मेरे पैनल पे सामने जो मेरे पॉलिटिकल लीग से जो होते अरविंद चौधरी जी, ओके अच्छा बातचीत चल रही है, बड़े वाले हैं वो तो, उनको कहां से आती है अपडेट। तो अरविंद चौधरी जी कह रहे हैं कि आज जितने भी रन कोलकाता बनाएगा वो चेन्नई चेस कर, इसलिए आप चेन्नई के साथ हैं जी, उनकी यूजुअली ना फोरकास्ट प्रेडिक्शन। हेलमेट बाबा ने आज क्या किया था यार, हेलमेट बाबा का कुछ याद है क्या किया था ऋषभ? उन्होंने तो लिखा था कि धोनी की टेंशन बढ़ा दी, तो हेलमेट बाबा शायद आज अगेंस्ट है चेन्नई को, चेन्नई में हराना। वैसे खुशी में आपको बता दूं हलवा नहीं है, दो मैच ही आ रहे हैं जो वो बाहर आ रहे हैं ना, चेन्नई में तो नहीं आ रहे ना। हाँ, एक दिल्ली का और एक जीटी, चेन्नई में, चेन्नई में, चेन्नई का देखो हमेशा से यही तो रहा है, 7 मैचेस में से उनको 5 होम एडवांटेज थे ना, सारे क्या होता है जैसे कल मैं वो देखा कुमार संजय कारा का भी, उसका उनका राजस्थान का पिछली बारी घर पर बहुत बेकार था, नहीं रहा अच्छा, बट देन वो बोल रहे कि इस बारी और हम वहीं पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, वह एक फैमिलियरिटी भी होती है आपको ग्राउंड में, कभी कभार क्या होता है जो हम कहते हैं भाई कि एंगल्स इनको बड़े अच्छे पता है इस ग्राउंड के, ये सब चीज़ें, तो आपको ये चीज़ों पर इन्वेस्ट करना चाहिए कि जब आप एक पर्टिकुलर ग्राउंड पर खेल रहे हो, राजस्थान ने तो 5 वहाँ और 2 गुवाहाटी खेलने, चेन्नई को तो 7 खेलने यहाँ पर, तो उनको और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर देखते हुए चीज़ें, एक आप कॉन्फिडेंट भी रहते हो कभी कभी, आपको लगता है कि यार इस वेन्यू पर तो हमने अच्छा किया ही है, तो एक वाइब रहती है। जैसे ऋतुराज गायकवाड़ शायद उनको अगर जो संघर्ष है भी, तो उनको लग रहा है कि यहाँ पर तो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर चीज़ें, जैसे जब आईपीएल वो हुआ था मुंबई में जब पूरा होता, तो पुणे वाली जो गेम्स रहती थी ऋतुराज अच्छा करते थे वहाँ पर, क्योंकि तो उन्होंने क्रिकेट ही अपनी पूरी वहाँ खेली है, उनको विकेट रास आता था, रन्स बढ़िया बनाते थे वो, तो आई थिंक ऋतुराज का भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि ऐसा नहीं हो सकता था कि रचिन रविंद्र भरोसे आप सब कुछ छोड़ दो और कि रचिन रविंद्र, तो देखते हैं क्या कुछ रहता है, किस तरीके से मुकाबला रहता है। तो यहाँ पर अभी बल्लेबाजी के चलो सवाल ले लेते हैं, बहुत सारे सवाल भी हैं। सचिन जी कह रहे हैं कि धीरज भाई सुस्त मत बैठो, अच्छा मतलब सुस्त चुप वो जो कहते हैं मत बैठा करो, माहौल नरमा जाता है, करें कि हाउ इज द जोश। हाय सर, थोड़ा तबीयत सही नहीं है, और मनोज की इतनी एनर्जी होती है, वो लगातार बोल देता है, तो मैं खासी, शांत रहने का मौका मिलता है। देखो आपकी टीम भी ऐसा परफॉर्म कर रही है कि शांत बैठने में भलाई है भी, क्योंकि वही है ना कि बातें करने के लिए होनी भी चाहिए। नेक्स्ट, आपको लग रहा था कि हम पनौती होंगे, बट ऐसा फेंटा लगाया आपकी टीम को। वक्त का एक अच्छी चीज होती है ना, वक्त बुरा भी हो ज्यादा देर नहीं चलता और अच्छा भी हो ज्यादा देर नहीं चलता। 17 साल तो ज्यादा होता है, मतलब भगवान ने मेरे को और किसी को भी ना दे 17 साल का बुरा वक्त, अच्छा ही दे 17 महीने भी ज्यादा कहूंगा मैं कि बुरा। आप भी 17 साल का जो पहला साल था तभी जीते थे। अरे भाई इतने बुरे हाल नहीं हुए, 17 साल की बुराई और 17.5 करोड़ का कैमरून ग्रीन भी नहीं लिया है, और उसके बाद बेंच पर बैठे जो बंदे वो भी नहीं देखे, तो ठीक है चलो। दीपांशु जी कह रहे हैं राहुल भाई कौन सा मैच देखते हैं, जडेजा ने कहां अच्छी बॉलिंग की है, कितनी विकेट है उनके नाम बताना, आई डोंट थिंक वाई, सब पे बात हो जाती है वीके, रोहित शर्मा, राहुल, बट वाई नॉट ऑन जड्डू। दीपांशु जी आई थिंक यार पता नहीं, मैं तो वही मैचेस देख रहा हूँ,
बट ये है कि जडेजा पे अगर आपने नहीं देखा, यहाँ पे जडेजा की बैटिंग पे बहुत ज्यादा बात हो चुकी है, और रहा सवाल उनकी गेंदबाजी का, गेंदबाजी का ये है कि उनकी विकटे नहीं है, बट उन्होंने कंपैरेटिवली बॉलिंग जो है खराब नहीं की, मैं तो कहूंगा अच्छी करी है। एक उनका वाइजैग वाला बुरा गया गेम जो एक, वहां पर वो वाला था, पिछले भी थोड़ा बहुत मतलब हो रहा है कि पिछले में तो खैर मैच ऊपर ही खत्म हो गया था, बट वाइजैग वाला उनका बहुत ज्यादा थोड़ा ऑर्डिनरी हो गया था जहां पर उनकी पिटाई भी हुई। क्या टोटल लग रहा है सर? मैं आपको, आप लोग बताइए, आज तो ऊपर आपने जाना है, के क्या आपने जाना है, तो पेन में लास्ट में बताऊंगी सबसे। तो जय भाई आप बता दीजिए केकेआर की तरफ से क्या टोटल, क्या स्कोर आप देखते हैं? केकेआर की बैटिंग देख के लगता है मुझे 185, बस 185 पर फिर आप जीतोगे कैसे? जीत जाएंगे 203। देखो यहाँ से चेन्नई कैंप से आवाज आई है, चेन्नई कैंप से आ रहा है कि रन बनाना है कुछ हमें, वही तो देखो मैं इसीलिए कह रहा था ना आपको, वो देखो जडेजा की गेंदबाजी, कितने मैचेस खेले उन्होंने अभी तक, चार हो गए चेन्नई, चार हो गए ना, दो जीत दो हारे, तो एक मैच इनका खराब नहीं किया। हाँ इनकी विकटे नहीं है, ये मैं मानता हूँ विकटे नहीं है इनकी, एक मैच इन्होंने पहला आरसीबी के अगेंस्ट खेला था उसमें इन्होंने 4 ओवर में 21 रन दिए थे यार, इज नॉट बैड एट ऑल। उसके बाद इन्होंने अगले मैच में 15 रन दिए, हाँ इन दोनों मैच में इनकी विकटे नहीं है पर ठीक है। उसके बाद डीसी वाले मैच में इनकी कुटाई हुई थी, उसके बाद अगले मैच में हैदराबाद के अगेंस्ट इन्होंने 4 ओवर में 30 रन दिए, विच इज नॉट बैड एट ऑल, जबकि वहां पर तो सबकी बुरी तरीके से पिटाई हुई थी। तो यार दोस्त मैं तो यार वही मैचेस देख रहा हूँ जो आप देख रहे हो, 185 बस बोल रहे हैं आप, कौन बोल रहे हैं? जय भाई जो है वो बोल रहे हैं 185 काफी होंगे सीएसके के लिए, बट ये है 185 के ऊपर जाते ही मैच आपका हो गया, आपका मैं मुझे लग रहा है 203 सर ने कहा है, आप अब बताइए केकेआर से आप लास्ट में बचिए 215 बोलना है तो बोलो 235-40 ऐसे बोल, बोल दो रियलिस्टिक बोल रहे हो सर, 235 रियलिस्टिक नहीं है, 300 चेस कराएंगे आज यार, क्या बात कर रहे हो, आपके टीम को 300 रन दिए, 300 दिए, 300 तो मतलब 250-55 दो रियलिस्टिक, कितना सुनील नरेन नीचे रसल तो आज पहली बार खेल रहे हैं दोनों इस टीम से, खेला लेकिन दे दिया सॉल्ट भी है, ये बॉलिंग भी देख रहे हैं ना सीएसके की, कि 300 रन बढ़वा देगी सीएसके की बॉलिंग, मतलब अगर वैसे देखो तो आई थिंक 185 तक जाएगी यार। धीरे एक बात बताऊं, कुछ भी करना केकेआर के लिए ना, अपना ऑप्टिमिज्म मत दिखाना बस कुछ भी करो मत दिखाओ अपना ऑप्टिमिज्म, एक कल से कंफ्यूज हो रहे हैं मुझे लग रहा है, कौन दोनों टीमों में किसको सपोर्ट करें या किसकी तरफ जाएं, बौखलाहट है ये बौखलाहट है जनाब, बौखलाहट है अपनी टीम का अच्छा ना करना। मैं देता हूं केकेआर को 171 का देना है तो फिर 135 दो, मतलब मुझे लग तो रहा है 60 से 71 इस टाइप के बीच में शायद आज चेन्नई कुछ करे, देखो सुनील नरेन हर रोज भी नहीं चलेंगे, थोड़ी हाँ, सही बात है, सुनील नरेन मैचेस जीत, देखो पावर प्ले में सबसे जबरदस्त जोड़ी नहीं की अब तक, देखो तो देखो फिल सॉल्ट तो मतलब दोनों ही एक तरीके के हैं, फिल सॉल्ट को तो फिर भी आप एज अ बैटर उनकी विकेट को वैल्यू करते होंगे, और नो डाउट जब वो खेल रहे हैं जिस तरीके से तो सुनील नरेन की भी विकेट को वैल्यू कर रहा होगा केकेआर, बट ऐसे कि नरेन आउट भी हो जाए तो बहुत ज्यादा उधर नहीं होता होगा, वो कह रहे स्टार्ट आप दे दो थोड़ा बहुत, बट वो फिल सॉल्ट भी उसी अंदाज में खेलते हैं, वो भी कभी ये नहीं देखते कि नरेन ने रन बना दिए तो मैं अपने 30 ढूंढ लूं 50 ढूंढ लूं, मेरा 50 नहीं आया या मैं 100 कर दूं, जो शायद सीएसके में हो रहा है कि आप ऋतुराज वो उसी पेस से खेल रहे हैं कि रचिन बना देंगे या दुबे कर देंगे, शायद सीएसके वाले खुद ही इनको भी पता है आज हमारे पास गेंदबाजी थोड़ी, तो ये भी सोच रहे कि जो अपने पास है फिर भी कंपैरेटिवली तेज उसके पास चले आते हैं तो कुछ शायद हो जाएगा, सवाल तो नहीं और चलो जी तो क्विक रॉकेट पर देखते हैं आज अपडेट ज्यादा किस चीज की आते हैं, तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिए जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक भी होगा वहां से सारी चीजें आप देख सकते हैं, और cricket.com पर आज का मुकाबला तो निकल गया है लेकिन कल के लिए अपनी टीम आप जरूर बनाएं, और एक घंटा पहले टीम्स लॉक हो जाती हैं तो उस चीज का भी ध्यान दें, असली फैंटेसी स्किल और दिल का कॉम्बिनेशन लगाते हुए आप अपनी टीम्स बनाएं, और लिंक से फायदा आपको होगा जो डिस्क्रिप्शन में कि आपको जो है ज्वाइनिंग बोनस 2500 तो ज्वाइनिंग बोनस मिल जाएगा, उसी से आप काफी कुछ जीत सकते हैं, तो वो चीज आप जरूर करें। अमेरिकन पिस्ता शूज किसको आप देना चाहेंगे केकेआर की तरफ से? आपको लग रहा है कि जरूरत नहीं है अभी? नहीं नहीं क्यों नहीं है, अमेरिकन पिस्ता शूज ऐसी चीज है आप जरूरत हो या ना हो खाओ खाओ खाने जरूरी हैं पिस्ते, तो आप किसे स्पेशली अमेरिकन पिस्ता शूज किसे आप दे रहे हैं? मैं पूरी टीम को, मैंने शाहरुख खान को भिजवाना है बस भाई, नाचना तो उन्होंने ही है मैच के बाद,
शाहरुख खान आए, वैसे शाहरुख खान जब आते हैं उनकी टीम फिर बहुत कुछ धमाका ही करती है भाई। तुषार देशपांडे शाबाश, फिल सॉल्ट पहली गेंद पर आउट, फिल सॉल्ट पहली ही बॉल पर आउट हो चुके हैं 141 की रफ्तार, और तुषार देशपांडे ने जो है जड्डू ने कैच ले लिया यार, गजब। चलो जो स्टार्ट चाहिए थी, चलो जी 10 ही विकेट रह गई हैं और 119 क्यों, एक तो आउट ही हो गया ना। हाँ मतलब वैसे अब आप किसको जय भाई भिजवाएंगे अमेरिकन पिस्ताशियो, अब तो धीरज करना है तो मैं हो गई होगी ठंड पैगी है ना, क्या मेरा कोई है ही नहीं अपनी टीम, तो क्या मतलब अपनी टीम मतलब बाकी मतलब जो है वो कौन सी जो अपनी है, इतना नहीं है इस मैच को लेके मेरा, तो घर चले जाओ, लग तो रहा है अब जो हालत है चले जाओ हैं, लग तो रहा है, पता नहीं सर समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ क्या आपको यार, दत्तक सर कुछ नहीं हुआ बस मैच देख, अरे यार आप चुनो एक टीम आज चुन चुके हैं, एक बारी चुन ली है। अच्छा दीपांशु है, अच्छा दीपांशु कह रहे राहुल भाई बात तो करो कम से कम, जड्डू पे एक सेकंड बोला बस, बाकी सब रोहित शर्मा विराट कोहली केएल राहुल पे घंटों बात करते हैं, जड्डू बच के निकल जाते हैं, मैच में भी वही दिख रहा है लेकिन विकेट कहाँ है। सही बात है, मैं तो बोल रहा हूँ यार उनकी विकेटें नहीं है, नहीं है भाई विकेटें नहीं है, रन है पर वो स्ट्राइक रेट नहीं है फिनिशर के तौर पर, और ये बात इंडिया में हो सकता है उनको दो ओवर डलवा के निकाल दो, अच्छा चार भी आ गए तीन और वहां पर विकेटों पे चल भी सकते हैं, बैटिंग की दिक्कत ज्यादा है। वैभव को कह रहे हैं कि धीरज भाई अगले साल के लिए नई टीम ढूंढ रहे हैं इसलिए हर मैच में टीम को परख रहे हैं इसलिए थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं, हो सकता है। चलिए जी पहली विकेट तो आ गई है क्रिक रॉकेट, अंकुश स्टाइलिश दिखते हैं, स्टाइलिश है कॉम्पैक्ट है बढ़िया, अंकुश रघुवंशी नाम भी तगड़ा है, मतलब नाम भी अगर आप सुनो अंकुश और रघुवंशी, केकेआर की अगर आज पहली हार आई अगर आई खाता खुल गया, एक कुछ चीजें पहली बार होती है, देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम देन देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट टाइम, आरआर का वो फर्स्ट टाइम कब आ रहा है सर, आएगा बीकने एक दिन तो आना, ऐसा तो होगा नहीं कि 14 मैच आप जीत कर निकल जाओ, व्हाट इफ ना, नहीं बट 14 मैच जीत के जाओ और पता चले वहां हार जाओ प्लेऑफ में, तो एक आधी हार आती है वर्ल्ड कप की तरह, जब आईपीएल में प्लेऑफ्स का ये आया ही था तो वैसे ही क्या किसका था, दिल्ली का था शायद कि वो अनबीटन गए और ऊपर एक मैच हारे बाहर हो गए, तो तब फिर प्लेऑफ्स में उन्होंने ये डिजाइन किया कि भाई जो बड़े अच्छा तरीका टॉप की टीम से उसको एक एक्स्ट्रा चांस मिलेगा, पहले तीन सीजन किसी एक मतलब उसके बाद ही वो हुआ, तीन सीजन दिल्ली क्वालिफाई हुई थी उसके बाद, नहीं एक तो पूरा ऐसा रहा कि दिल्ली ने सब जीतते हुए टॉप पर गई और एक मैच हारी और दिल्ली बाहर हो गई वहां से, दिल्ली पंजाब से आ रहे थे, गिलक्रिस्ट ने मारा था जहां तक मुझे याद है, कोई कौन सी टीम थी, लो जी बच गए, हो गया था इनका भी सुनील नारायण का ये आपके फास्टेस्ट बॉलर क्या लाए ना उनको क्या पेस, एक विकेट तो एक ही नाम था कि जो इन सब में है जो थोड़ा सा, बल्कि सोच रहे थे नरेन को आउट करेंगे सॉल्ट को आउट करेंगे, तो क्या करें चले अब ये ओवर तो देख लो यार कम से कम, क्या ओवर डाला यार, ओए यार कहां से निकली किसी को पता ही नहीं लगा, एक आध दो बैट पे आ जाए फिर उसके बाद शुरू होता है इनका, अभी तक तो एक ही बॉल लगी है आई थिंक बल्ले पे इनके, उस दिन भी पहली पांच छह गेंदों पे हवा थोड़ी लगी थी उसके बाद उसके बाद तो चालू हो रखना शुरू हुआ तो फिर यार उसके बाद तो बोल रहे थे ड्रेसिंग रूम की आजकल तो वीडियो वगैरह आते हैं कि अरे हम बाहर बैठ के वेंकटेश्वर कह रहे हम तो सोच रहे थे कि अगर बॉल डालना होगा तो कहाँ डालेंगे, ऐसा कहता हर जगह से ही मार रहे हैं, ऊपर नहीं दे रहे फिलहाल बॉल, एक रन और एक विकेट तुषार देशपांडे का पहला ओवर, तुषार देशपांडे कह रहे मैं भी ट्रेंट बोल्ट बनूंगा अब, वाह जी वाह तुषार देशपांडे यार क्या गुड ओवर है, सही है एक एक तो चले एक। फिर इनिंग्स के बाद मिलते हैं देखते हैं कौन कितने बनाता है, पर क्रिक रॉकेट पर आप जरूर वहां पर ट्रैक करते रहे, वहां पर आपको मैच रिलेटेड सारी जो स्कोर अपडेट्स है माइलस्टोन अलर्ट सब सबसे पहले मिल जाएंगे,
तो वो आप जरूर डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और कल के मुकाबले के लिए cricket.com पर टीम्स अभी से आप ड्राफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि मुकाबला पंजाब हैदराबाद तो एक इंटरेस्टिंग मैच होगा वो भी।